नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। छापा छापा छापा, रेड रेड रेड, जब एक खबरें सुनने को मिलती है कि किसी नेता के यहां सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का रेड पड़ा है, तो मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिरकार उसकी ताकत क्या इतनी बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली में बैठे बीजेपी के शीर्ष नेता परेशान हैं, डरे हुए हैं। ये बातें हम ऐसे ही नहीं कर रहे, यकीन ना हो तो आप डाटा निकाल कर देख लीजिए। ये जो छापे पड़ते हैं, जो आप खबरें आप देखते हैं, रेड रेड रेड, छापा छापा छापा, ये छापा भाजपा के नेताओं के घर नहीं, सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा गंगा है जहां डुबकी लगाने के बाद सब लोग पवित्र हो जाते हैं और विपक्षी दल के नेता क्या इतने बड़े पापी हैं कि उन्हीं के यहां रेड होगा? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी के नेताओं को साफ तौर पर क्लीन चिट मिली हुई है भैया, कि आपने कोई लूट नहीं किया, आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं किया है, आप एकदम शरीफ हैं। आप अगर आ जाते हैं भाजपा में कांग्रेस छोड़कर तो सीएम तक बन जाएंगे और सारे करप्शन के आरोप खत्म। सुबह के 7 बजे थे राजधानी पटना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और दस्तक देती है बिहार सरकार के मंत्री, आरजेडी कोटे से मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर। जी हां, अब आप यहां भी सोच लीजिए, समीर महासेठ जो आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, उनके ठिकानों पर रेड हो रही है इनकम टैक्स की। और जब आपको आश्चर्य होगा जब आप जानेंगे कि समीर महासेठ से जब हमने सवाल पूछा कि मंत्री जी आपके ठिकानों पर रेड चल रही है, तो उन्होंने कहा अरे करने दीजिए, जो भी होगा न्याय संगत होगा। तो ये करारा जवाब है, लेकिन सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई या फिर ईडी की कार्रवाई देश में विपक्षी दलों के नेताओं के यहां क्यों होता है? और आज खबर विशेष में दोस्तों चर्चा संवैधानिक जांच एजेंसियों के कार्रवाई पर और चर्चा भारतीय जनता पार्टी पर। दोस्तों 2014 से देश में भाजपा की सरकार है, 22 चल रहा है, यानी 8 साल नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल के हो चुके हैं। और दोस्तों इस 8 साल में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने कई जगहों पर रेड मारे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर किसी भाजपा के नेताओं के ऊपर रेड की खबर बता दें, बड़े रेड के ऊपर, तो फिर मैं कहूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासन काल में पवित्र गंगा हो गई है जहां डुबकी लगाने के बाद हर कोई स्वच्छ हो जाता है, हर कोई निर्मल हो जाता है? दोस्तों बिना नाम लिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेसी जब भाजपाई हो जाते हैं तो करप्शन के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, और तब देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे जाते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप विपक्षी को डराने के लिए, अपने विरोधियों को चित करने के लिए क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे? इसके बाद अगर जो सरकार आई, क्योंकि इतिहास गवाह है और आप भी देखते होंगे और ये तो हर कोई इसी के सामने प्रमाण है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होना तय है,
और कोई सत्ता में हमेशा के लिए नहीं आया है, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता चुनती है अपना मालिक। और ऐसे में अगर सरकार कभी बदली और यही नूरा कुश्ती वाला खेल चलता रहा तो यकीन मानिए देश का विकास संभव हो नहीं सकता। दोस्तों, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, रुपए का वैल्यू गिरता जा रहा है, इन सारी चीजों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। निजीकरण की ओर सरकार बढ़ावा दे रही है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। तलाश हो रही है कि किस राज्य का कौन विपक्षी दल का नेता, कौन भाजपा का खिलाफी नेता, कितनी ताकतवर है, उसके ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। और आप समझ लीजिए, हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहां रेड हुई है क्या? क्या एक वो जो चीफ मिनिस्टर बना दिए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? दोस्तों, खास तौर पर जब बिहार की बात होती है तो बिहार में आरजेडी को टारगेट किया जाता है। और अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो और ट्विटर यूज करते हो तो अगर आप बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ट्वीट देखेंगे तो एक ट्वीट में पिन किया हुआ है कि अगर लालू जी भाजपा से हाथ मिलाते तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते, और नहीं मिलाए, और यही वजह है कि बार बार रेड हो रहा है। बिहार में भाजपा के कौन नेता किया कब रेड हुआ है तो ये प्रमाण है। देखिए, आरजेडी नेताओं को बिहार में टारगेट किया जाता है, कभी लालू यादव, तेजस्वी यादव, भोला यादव, सुनील सिंह, किसको किसको टारगेट नहीं कहता, फाक करीम के ठिकानों पर रेड होता है, कई ऐसे नेताओं के ठिकानों पर आप रेड करते हैं। और इस रेड के बाद मिलता क्या है? अब उदोजाना का नाम सामने आता है, लालू यादव की बेटी पर FIR हो जाती है। आखिरकार ये सब इतने जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है भाई? पहले भी तो हो सकता था। इतने दिन से क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां कान में रुई डालकर सोई हुई थी? उनको मालूम नहीं था, जानकारी नहीं मिल रहा था कहीं कुछ हो रहा है? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। जनता की राय क्या है? जनता की राय है देश के विकास को आगे बढ़ाइए, देश से बेरोजगारी दूर हो, महंगाई खत्म कीजिए। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान की महान जनता ये नूरा कुश्ती में नहीं उलझा रहना चाहती। इस नूरा कुश्ती से कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान के विकास को लेकर कदम बढ़ाइए, हिंदुस्तान विश्व में आगे बढ़ेगा तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, आप पर, अपने आप पर, ना कि इस नूरा कुश्ती पर। अगर किसी की सरकार आती है, आप सरकार से चाहते हैं वो भी ऐसे ही कार्रवाई करे, तो फिर देश का विकास कहां संभव है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।